सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोमित्रम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। अठारह नवंबर 2017 शनि अमावस्या के दिन इन राशियों को मिलेगा शनि देव का विशेष आशीर्वाद। ये राशि होने वाली है धनवान। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोमित्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों 18 नवंबर 2017 शनिवार के दिन शनि अमावस्या का महापर्व आ रहा है और इस महापर्व के दिन 12 राशियों का राशिफल कैसा रहेगा और किन किन राशियों को शनि देव का विशेष आशीर्वाद मिलने वाला है, किन के ऊपर शनिदेव विशेष रूप से कृपा करने वाले हैं, क्योंकि शनिवार है और अमावस्या तिथि है। शनिवार और अमावस्या तिथि का जो संयोग बनता है वो शनिदेव के लिए अत्यंत प्रसन्नकारी संयोग निर्मित होता है। इस दिन शनिदेव अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और सभी भक्तों को मनवांछित फल अवश्य ही प्रदान करते हैं। लेकिन जो भक्त शनिदेव की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं या फिर शनिदेव को तिल तेल अर्पण करके उनका पूजन करते हैं, काले वस्त्र या नीले वस्त्र उनको चढ़ाते हैं, गरीबों को भोजन दान करते हैं, गरीबों को कंबल दान करते हैं या फिर लोहे का दान करते हैं, कोयले का दान करते हैं, तो शनिदेव उनके ऊपर विशेष कृपा अवश्य ही करते हैं। तो मित्रों हम 12 राशि का राशिफल बताने जा रहे हैं और ये भी बताएंगे कि कौन कौन सी राशियों को शनिदेव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। ये जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। आपके लिए कुछ लोगों की सलाह पर आपको अमल करना चाहिए जिससे आपके पारिवारिक जीवन में चल रही नाराजगी दूर हो जाए। आर्थिक मामलों में आज का दिन आपके लिए उलझन भरा रहेगा। लेन देन में सावधानी रखें और जो नया काम आप करने जा रहे हैं उसे सोच विचार करके यदि करेंगे तो निश्चित तौर से आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य ही होगी। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। बहुत कोशिश के बावजूद आप कामकाज को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि काम तो आप मेहनत से कर रहे हैं, मन लगा करके कर रहे हैं, लेकिन आपके प्रस्तुतिकरण का जो तरीका है उसको आपको बदलना चाहिए। दूसरों लोगों को ध्यान को आपको आकर्षित करने के लिए अपनी छवि को सुधारना चाहिए जिससे लोग आपके काम की तरफ आकर्षित हो और आपकी प्रशंसा करें और आप सभी कामों में अग्रणी अवश्य रहे। तो अब हम आपको बता दें कि मिथुन राशि वालों के लिए पिछली घटना को बार बार याद दिलाकर उत्साह में कमी ला सकता है। यदि आप आगे जाना चाहते हैं तो पीछे की सारी बातों को भुला करके आगे जाने का प्रयास करें। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा और आप जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी और साहस के साथ में पूरी ऊर्जा लगा करके यदि आप काम करते हैं तो पिछली जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी कमियां हैं, उन सबको आप भूल जाएंगे और आप आगे की तरफ बढ़ पाएंगे। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। आप अपनी आजीविका को आगे बढ़ाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं तो आपको अनुशासन की बात स्वीकार करनी होगी। कई बार आप अपने आप को ढीला छोड़ देते हैं या फिर काम करने की ऊर्जा आपके अंदर कम रहती है। किसी काम को उसके अंतिम छोर पर जाकर उम्मीद आप गंवा देते हैं। यह आपको नहीं करना चाहिए। जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती है तब तक आपको काम करना बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए। आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। इस वक्त आप अपनी जमा पूंजी और बैंक बैलेंस के चक्कर में अधिक रहेंगे। जोखिम भरे कामों से धन कमाना चाहते हैं तो यह उम्मीद आपको आगे चल करके अच्छा परिणाम अवश्य ही देगी। आज के दिन बेहतर यही होगा कि आप जहां पर धन लगाएं वहां सुरक्षा जरूर देख लें और पूरे होशो हवास में पूरे सुरक्षित तरीके से अपने धन का निवेश करें तो निश्चित तौर से आपको अच्छा लाभ होने वाला है। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की।
आज के दिन आपकी सोच विचार शक्ति कुछ भौतिकतावादी अधिक हो रही है। घर के अंदर जो सामान बेकार पड़ा है उसको ठीक ठाक करने के बजाय आप कुछ नया सामान घर में लाने की तकरीब या तरकीब सोच रहे हैं। यह सब काम करने से पहले बेहतर होगा कि पहले आप अपने जो है धन संग्रह को देख ले कि आपके पास कितना पैसा है और कितना खर्च होना है। आय के हिसाब से यदि आप खर्चे करेंगे तो आपके लिए उपयुक्त रहेगा, नहीं तो आप कर्ज के बोझ तले भी आ सकते हैं। इसलिए आप सोच समझ करके ही नया सामान खरीदें। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। आपको अपनी जरूरत पूरी करने के लिए कुछ नियमित आमदनी का भी ख्याल रखना होगा। अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार धन लाभ के साधन आपको पैदा करने होंगे। आपकी जरूरत तभी पूरी हो सकती है जब आपके हाथ के में आपके अनुसार रकम आ जाती है, अर्थात आप जो है नियमित रूप से कोई काम ऐसा करें जिससे आपको नियमित आमदनी प्राप्त हो सके और आप जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। रुका हुआ धन आपका मिलने का अच्छा संयोग बन रहा है। साथ ही साथ जो पुराने अटके और रुके हुए कार्य है वो अब आपके होने लगेंगे। और अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपको अपने को सफल बनाने के लिए बहुत मजबूत इरादे और मेहनत के साथ कुछ ऐसी राह भी बनानी होगी जो जिंदगी को बेहद जो है सफलता की ओर ले जाने वाली राह हो। आपको जीवन में चल रहे कुछ विवादास्पद मामले ऐसे हैं जिन्हें इस वक्त सुलझा लेना बहुत जरूरी होगा। आप पारिवारिक रूप से भी किसी से विवाद न करें, मित्रों से विवाद न करें और जो भी काम करें उसे सोच समझ करके धैर्य और शांति के साथ में करेंगे तो निश्चित तौर से आपको अच्छी सफलता के संकेत प्राप्त होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। पिछले दिनों आपने जो काम का बोझ अपने सर पर लिया था वह आज कुछ कम हो सकता है। दूसरों के द्वारा सहयोग नहीं मिलने के कारण दिन रात जुटकर अपनी कमर भी सीधी नहीं की। आज के दिन जहां आप इन सब कार्यों से आपको फुर्सत मिल सकती है और जो भी काम आप करने जा रहे हैं उसमें आपको धन लाभ का उत्तम संयोग बना हुआ है। मित्रों के माध्यम से या किसी रिश्तेदार के माध्यम से धन लाभ का उत्तम योग आपका बनने वाला है। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। आपके लिए कुछ रुके हुए काम पूरा करने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाएंगे जो अप्रत्याशित हो सकेंगे। आप जो है जो भी काम करने जा रहे हैं उसके दूरगामी अच्छे परिणाम आपको जल्द ही मिलने वाले हैं। दूसरों की तारीफ करके या अपने सहकर्मियों के साथ में जो है आप काम को अंजाम दे सकते हैं और उसको सफलता के सर्वोच्च शिखर तक लगातार जो है पहुंचाने की कोशिश आप कर रहे हैं, उसमें सफलता मिलेगी, उसके दूरगामी परिणाम अच्छे मिलेंगे। हो सकता है कि अभी त्वरित उसके लाभ नहीं मिले लेकिन आगे चल करके उसके अच्छे लाभ मिलने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। आपको अपनी आजीविका में छवि सुधारने की चिंता रहेगी। वैसे तो आप मेहनत करने में कभी भी पीछे नहीं रहते हैं लेकिन फल की प्राप्ति होने में कुछ देरी अवश्य हो सकती है। कभी कभी कुछ ऐसी मिस्टेक भी आपके द्वारा हो जाती है जिससे आसपास के लोग या आपके साथ काम करने लोग आपके लिए गलत फहमी पैदा कर देते हैं। इसलिए आप कोई भी ऐसा काम न करें जिससे आपके प्रति किसी की नाराजगी रहे या गलत फहमी कोई पाल सके। इसलिए आप उच्चाधिकारियों से अच्छा तालमेल बनाए रखें और साथ ही साथ ये ध्यान रखें कि किसी के साथ भी आप कोई काम कर रहे हैं तो लगातार आप चर्चारत रहें, अर्थात आपके बीच में बातचीत बंद नहीं होना चाहिए। बातचीत बंद होने से कई बार आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप बातचीत को लगातार जारी रखें और जो भी काम करें उसे पूरी पारदर्शिता के साथ में करेंगे तो निश्चित तौर से आपको एक अच्छी सफलता का संयोग बनने वाला है। अब हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। इस समय आपकी बौद्धिक और शारीरिक ऊर्जा शिखर पर है। यही नहीं,
आपने सफलता प्राप्त करने के लिए सही मार्ग या सही सीढ़ी का चुनाव भी कर रखा है। आप जिस मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं वह उत्तम है, उसमें आप लगातार लगे रहिएगा। यदि आप लगे रहेंगे तो आपको निश्चित तौर से सफलता प्राप्त होने वाली है। कई बार क्या होता है कि आप जो भी काम करते हैं उसको अंतिम छोर तक जाते जाते बीच में आप छोड़ देते हैं, इसलिए आपको सफलता में कुछ कमी रह पाती है। इसलिए आप उसको छोड़े नहीं, सफलता आपको निश्चित तौर से मिलने वाली है। यदि आप अपनी इच्छा शक्ति, प्रभाव, प्रतिष्ठा और सही तरीके से किसी काम को करेंगे तो धन वृद्धि के अलावा आपकी ख्याति बढ़ेगी, आपका यश बढ़ेगा और सभी कार्यों में आपकी उन्नति अवश्य ही होगी। तो मित्रों, हमने यह दैनिक राशिफल आपको बताया है। हमें उम्मीद है राशिफल आपको अवश्य ही पसंद आएगा। आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।